गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रैक्टिकल है अपना, सर्व एपरेटस से हम इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालेंगे। तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स जो अपने को निकालने हैं, प्रत्यास्थ गुणांक जो हम निकालेंगे, पहला तो है यंग प्रत्यास्थ गुणांक जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मीटा, और तीसरा गुणांक जो अपन निकालेंगे वो है पॉइसन निष्पत्ति। इसके लिए हमने जो एक सेटअप लिया है वो ये है, इसको बाद में मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर करके आपको दिखाऊंगी। क्या सेटअप है? हमारे पास समान पदार्थ की समान लंबाई की दो रेक्टेंगुलर रॉड्स हैं, दो आयताकार छड़े हम काम में लेंगे। इन आयताकार छड़ों को हमने एक तार के द्वारा जोड़ा हुआ है। ये जो तार है, इस तार के प्रत्यास्थ गुणांक हम ज्ञात कर रहे हैं। तीन जो प्रत्यास्थ गुणांक निकालने हैं, वाई मीटा और सिग्मा, वो हम इस तार के निकालेंगे। तो पहला हमारे पास अरेंजमेंट ये वाला है। हम इस अरेंजमेंट की हेल्प से यंग प्रत्यास्थ गुणांक निकालेंगे। क्या सूत्र है इसका? y बराबर 8 पाई आई एल टी वन स्क्वायर आर। यहां पर i मेरे पास जड़त्व आघूर्ण है, हमने आयताकार छड़े ली है। आयताकार छड़ों के लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है i बराबर एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा वाई। यहां पर m मेरे पास इन छड़ों का औसत द्रव्यमान है, L छड़ की लंबाई है, B मेरे पास छड़ की चौड़ाई है। तो हम ये दोनों स्केल से नाप करके और फिजिकल बैलेंस की सहायता से M का मान हम पहले ही निकाल के रखते हैं। तो M, L और B हमें पता है, तो हम जड़त्व आघूर्ण का मान निकाल लेंगे। अब इस जड़त्व आघूर्ण के मान की सहायता से हम y का मान निकाल सकते हैं। यहां पर स्मॉल l जो है, ये मेरे पास इस तार की लंबाई है और t1 आवृतकाल है। ये किस प्रकार से निकालना है इस अरेंजमेंट से, ये मैं आपको अभी आगे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताऊंगी। आर मेरे पास इस तार की त्रिज्या है, ये मेरा फर्स्ट अरेंजमेंट है, इसको हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब दूसरे इलास्टिक कांस्टेंट्स भी हमें निकालने हैं। दूसरे इलास्टिक कांस्टेंट निकालने के लिए मैं ये सेकंड अरेंजमेंट काम में लूंगी। सेकंड अरेंजमेंट में हम एक छड़ को यहां हुक के ऊपर लगा देंगे, दूसरी छड़ मेरे नीचे आ जाएगी। ये जो सेकंड अरेंजमेंट है, इसकी हेल्प से आवृतकाल किस प्रकार निकालना है एक्सपेरिमेंट करके अपन देखेंगे। अभी उस आवृतकाल को मैं टी टू नाम देंगे। बाकी मीटा का जो फॉर्मूला है, मीटा है 8 पाई आई एल टी टू स्क्वायर अपॉन आर। अंतर इन दोनों सूत्रों के अंदर सिर्फ आवृतकाल का है, बाकी फैक्टर्स दोनों के अंदर सेम है। आई जड़त्व आघूर्ण है जो अपन ने लंबाई चौड़ाई और द्रव्यमान की सहायता से निकाला है। आर मेरे पास इस तार की त्रिज्या है जो हम स्क्रू गेज से निकालेंगे। अब टी वन और टी टू निकाल करके हम तीसरा गुणांक पॉइसन निष्पत्ति, इसका मान हम निकालेंगे। सिग्मा क्या है? टी टू स्क्वायर अपॉन टू टी वन स्क्वायर माइनस वन। तो ये मेरे सूत्र है जो हम यहां पर काम में लेंगे। वाई और मीटा, ये जो मेरे गुणांक हैं, इनकी इकाई आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सारी गणना एमकेएस पद्धति के अंदर करेंगे। और सिग्मा जो है ये रेशियो है, तो रेशियो की कोई भी निष्पत्ति नहीं होती।
मेरे पास आई जो है इसकी इकाई आएगी एम, हम नापेंगे किलोग्राम में, लंबाई मीटर के अंदर आएगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, फॉर्मूलाज हैं जो अपन इस एक्सपेरिमेंट को काम में, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए काम में लेंगे। तो अब एक्सपेरिमेंट के अंदर फर्स्ट अरेंजमेंट और सेकंड अरेंजमेंट किस तरह से करना है ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट के ऊपर परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। तो आप लोग फॉर्मूलाज अच्छे से देख लें, क्या इसके लिए अपन फॉर्मूलाज काम में लें। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सेल्स मेथड का। इसके अंदर ये मेरे पास दो रॉड्स हैं, इन रॉड्स के बीच में ये जो वायर है, इस वायर के इलास्टिक कांस्टेंट्स अपन निकाल रहे हैं। तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बीटा और पॉइजन रेशियो सिग्मा का मान अपन निकालेंगे। तो पहला अरेंजमेंट है, इसके अंदर मैंने ये हुक्स है, हुक्स के बीच में ये थ्रेड डाल के इन रॉड्स को एकदम पैरेलल लटकाया है। सेम मटेरियल की रॉड्स है, सेम लेंथ, सेम ब्रेड की मेरी रॉड्स है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इन दोनों रॉड्स को पास में लाएंगे कि वी शेप बन जाए, जिससे बीच में ये जो वायर है इसमें बैंड प्रोड्यूस होगा। हम क्या करेंगे, इन रॉड्स को आपस में थ्रेड से बांध देंगे। ये थ्रेड है, इसकी हेल्प से हम इन रॉड्स को आपस में टाई अप कर रहे हैं। टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम स्टॉपवॉच का यूज करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, ये जो थ्रेड जिससे हमने इन दो रॉड्स को टाई किया है, इस थ्रेड को हम मोमबत्ती की सहायता से जला देंगे। जलाते ही इसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, हम स्टॉपवॉच की हेल्प से 30 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड टाइम नोट करेंगे। ऑसिलेशन कैसे काउंट करने हैं, हम इन दोनों में से किसी भी एक रॉड को देखेंगे, जैसे हम इस रॉड को रेफरेंस मान रहे हैं। तो इसका एक ऑसिलेशन कैसे होगा, यहां से स्टार्ट हुई, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आएगी, तो ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट ऑसिलेशन, सेकंड ऑसिलेशन, इस तरह से 30 ऑसिलेशंस का टाइम हम स्टॉपवॉच की हेल्प से नोट करेंगे। 30 ऑसिलेशंस होते ही जो हमारे स्टॉपवॉच है उसको बंद कर देंगे, टाइम हमारे पास सेकंड्स के अंदर आएगा। यही सेम प्रोसेस हम 40 ऑसिलेशंस के लिए करेंगे। इन दोनों रॉड्स को मैं दोबारा इस तरह से बेंडिंग देंगी, वायर को थ्रेड से बांधेंगे और अब फिर दोबारा मोमबत्ती से धागे को जला के 40 ऑसिलेशंस का हम टाइम नोट करेंगे। इसके लिए जो टेबल है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब ये हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट था जो हमने टाइम पीरियड निकालने T1 निकालने के लिए किया है। अब सेकंड अरेंजमेंट में हम जो चेंज करेंगे वो ये है, हम इन रॉड्स को थ्रेड को हुक के बीच में से निकाल देंगे और एक रॉड को मैं हुक के बीच में डाल दूंगी, सेकेंड रॉड मेरी यहां सस्पेंडेड रहेगी। अब हम हमारी ये जो नीचे वाली रॉड है इसको ऑसिलेट करेंगे। सेकेंड जो हमारी रॉड है इसके अंदर हम ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे। इस रॉड को मैं हाथ से ट्विस्ट दे रही हूं, ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हमने पहले 30 ऑसिलेशंस के लिए टाइम नोट किया था स्टॉपवॉच की हेल्प से,
वही 30 ऑसिलेशंस के लिए हम यहाँ पर टाइम नोट करेंगे। एक ऑसिलेशन कैसे हो रहा है इस रॉड को, जैसे अपन देखें यहां से ऑसिलेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहां गई रॉड वापस इसी पॉइंट के ऊपर आएगी, तो ये मेरा एक ऑसिलेशन होगा। ऐसे ही हम 30 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे। दूसरी बार हम 40 ऑसिलेशंस के लिए टाइम नोट करेंगे। अब इसके बाद में मैं इनमें से किसी भी एक रॉड की लेंथ स्केल की हेल्प से नापूंगी। कैपिटल एल जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, कैपिटल एल इस रॉड की लेंथ है। स्केल की हेल्प से हम इस रॉड की ब्रेथ भी मेजर करेंगे, कैपिटल बी। उसके बाद में स्केल की हेल्प से बीच में ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ स्मॉल एल से जिसको हमने डिनोट किया है ये हम मेजर करेंगे, और स्क्रू गेज की हेल्प से इस वायर का हम डायामीटर निकालेंगे। डायामीटर का जो हाफ है वो मेरे पास रेडियस के बराबर है। तो हमने सारे अननोन पैरामीटर्स एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकाल लिए। अब कैलकुलेशन क्या करनी है और टेबल क्या बनाएंगे आप इसके लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। जो एक्सपेरिमेंट अपन ने अभी परफॉर्म किया है उसकी हेल्प से अब अपन कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, वाई नीटा सिग्मा कैसे निकालेंगे। वाई नीटा सिग्मा निकालने से पहले टाइम पीरियड T1 और T2 अपन निकालेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट अरेंजमेंट था, जो अपन ने क्षैतिज तल में 30 दोलन के समय निकाला था, उसको मैं टेबल के अंदर अभी यहाँ स्मॉल T1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आवृतकाल होता है एक दोलन में लगा समय, तो हमें 30 दोलन का समय पता है, तो हम इसकी सहायता से आवृतकाल कैपिटल T1 निकाल सकते हैं। कैपिटल T1 क्या आ जाएगा, T1/30। दूसरी बार अपन ने दोलन लिए थे 40, उसके लिए समय निकाला था T2, तो यहां से आवृतकाल T1 का मान आ जाएगा T2/40। अब इन दोनों का मैं माध्य ले लूंगी, ये मेरे पास T1 का मान आ गया। दोनों जो T1 निकाले हैं इनका माध्य T1 मेरा सेकंड्स के अंदर मैंने निकाल लिया। यही सेम टेबल अपने को सेकंड अरेंजमेंट के लिए बनानी है। वहां पर से जो समय निकलेगा, आवृतकाल निकलेगा, उसको हम कैपिटल T2 कह रहे हैं। मास हम फिजिकल बैलेंस की सहायता से पहले ही नाप लेते हैं। जो छड़े ली हुई है उनका द्रव्यमान अपने को पता है। लंबाई और चौड़ाई हम स्केल की सहायता से निकाल रहे हैं। आयताकार छड़े हैं तो इसलिए हम जड़त्व आघूर्ण का सूत्र लेंगे, I=ML² + B² / 12। I का मान हम यहां से निकाल लेंगे, आवृतकाल T1 हमने ज्ञात कर लिया है, लंबाई तार की स्मॉल l हमने स्केल की सहायता से निकाली है, और तार की त्रिज्या हमने स्क्रू गेज की सहायता से निकाली है। ये सारे मान रख करके मैं अपना इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस निकालूंगी। इसके बाद में हम अपरूपण गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा का मान निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए इन दोनों सूत्रों के अंदर अंतर सिर्फ एक ही है, T1 की जगह यहां पर T2 आ रहा है। T2 हम सेकंड टेबल से निकाल रहे हैं। Y और नीटा के मान हम निकाल लेंगे। इन दोनों के जो मान हैं, ये मान आपके Y और नीटा के, इनकी इकाई आएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और पावर आएगी 10^10। आवृतकाल T1 T2 हमने निकाल लिए, उसकी सहायता से हम पॉइसन निष्पत्ति सिग्मा का मान निकालेंगे। पॉइसन निष्पत्ति का सूत्र है T2² / 2T1² - 1। ये निष्पत्ति है इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी।
और ये मान पॉइंट्स के अंदर आपका आएगा। तो हमने हमारी तार के तीन प्रत्यास्थ गुणांक y, मीटा और सिग्मा का मान ज्ञात किया है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशियो का मान अपन ने सरल विधि के द्वारा निकाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।